नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। धूमाकोट में हुए बस हादसे के बाद हेली कंपनियों को लेकर राज्य सरकार के साथ साथ भाजपा संगठन का रुख भी गर्म होता जा रहा है। सरकार ने जहां एक तरफ हेली कंपनियों को ये हिदायत दी थी कि आपदा के दौरान हेली कंपनियां किसी भी तरह की नुकुर ना करें, लेकिन हेली कंपनियों ने पिछला भुगतान न होने के चलते खासा भकेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने साफ कहा है कि धूमाकोट बस हादसे में जो कंपनियां रेस्क्यू करने में नानुकुर कर रही थी, उन कंपनियों को उत्तराखंड से ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। अभी जब पौड़ी जिले में एक एक्सीडेंट हुआ था, उस समय कुछ हेली कंपनियों ने, जितनी भी थी मुझे पता नहीं है, ये कहा है कि पहले हमारा हिसाब दो तब हम जाएंगे। सरकार ने उनकी उड़ानों पर रोक लगाई है, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर सरकार इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दे, हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दे, तो और अच्छा रहेगा। देहरादून से अमित रतोड़ी की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में जिला कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष नवाज खान ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसान शिक्षा कर्मी सहित आम जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। नवाज खान ने कहा है कि फसल बीमा में बड़ा घोटाला हुआ है, वास्तविक किसान फसल बीमा से वंचित हैं। सूखा राहत के तहत भी आम किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने सूखा राहत में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की बात कही है। घोषणा की गई है, इससे पहले 180 रुपए से 150 रुपए तक सेंट्रल की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हर साल वृद्धि की थी। आप मुझे ये बताइए, पिछले 4 सालों का सबसे ज़्यादा अगर कोई महंगाई हुई है, खाद के रेट बढ़ गए इस साल, बीज के रेट बढ़ गए इस साल, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रेट बढ़ गए इस साल, उसके बाद आपने खाद का दाम भी बढ़ा दिया और उसकी क्वांटिटी भी 5 किलो कम कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, ये भी एक चुनावी झुंझुना है और कुछ नहीं है। राजनाथ गांव से सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी, देन आई फाउंड manglik.com। शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के कासगंज जिले के बिलराम नगर पंचायत में बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में बन रहे शौचालय का दलित समाज ने विरोध किया। नगर पंचायत अध्यक्षा ज्योति कुरैशी नगर स्वच्छता के लिए शौचालय बनवा रहे थे। गुस्साए दलित समाज ने विरोध स्वरूप नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शौचालय निर्माण के लिए लाई गई ईंटों को भी तोड़ दिया। वहीं विरोध के बाद पंचायत अध्यक्षा प्रतिनिधि का कहना है कि शौचालय निर्माण का काम रुकवा दिया गया है और इसे कहीं और बनवाया जाएगा। वजह इसकी है कि यहाँ पर जो ज्योति चेयरमैन है दलित समाज से, उसके जो पति हैं, बिना दलित के अनुमति के यहाँ पर शौचालय बनवाए जा रहे हैं, गलत है। अम्बेडकर प्रांगण में ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि स्वच्छता भारत का अभियान चल रहा है और यह अभियान किसी पार्क में नहीं होता कभी भी। सार्वजनिक कार्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर होना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, सब हमारा कुनबा परिवार है और जो हमारा कुनबा परिवार, हमारी जनता परिवार है हमारा, और जो जनता कहेगी वो होगा, और जनता से हटकर जनता से खिलाफ कोई काम नहीं होगा हमारा। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां युवक का शव बाजरे के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अधिकारियों से परिजनों की नोकझोंक भी हुई। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक कल शाम खेत में ताश खेल रहा था, जिसके बाद खेत में पहुंचकर पुलिस ने मृतक संजय की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से ही संजय लापता था। वहीं अधिकारियों को समझाने पर परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी का कहना है कि परिजनों के आरोप के मुताबिक पुलिस कर्मियों की जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये आज सुबह सिंभावली थाना क्षेत्र में मुरादनगर गांव में एक डेड बॉडी बरामद हुई है, उसकी शिनाख्त हो गई है, मुकदमा कायम हो गया है और जल्दी ही हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। ग्रामीणों की तरफ से कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप लगाए जाए हैं गए हैं, इनकी जांच सीओ मौके पर गए हैं, जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में आएगा उसके आधार पर आकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।